नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ओडिशा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि पुरी एवं कृष्ण प्रसाद के समावेश में नितिन गडकरी भाग लेंगे। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा मलका नगरी, चित्रकोंडा एवं खलीकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। जदयू से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह ने बुधवार को सोनपुर में कहा कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य केवल मुखौटा हैं, जबकि असली चेहरा तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पोषक लालू यादव हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से दिल्ली सरकार चलाने के लिए उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता वकील श्रीकांत प्रसाद पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बठिंडा से बीजेपी प्रत्याशी आईएस परमपाल कौर मलुका के इस्तीफे को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। बता दें कि पंजाब सरकार ने मलुका का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। इसे लेकर अब परमपाल ने कहा है कि वह दोबारा नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कॉलेजों में शिक्षकों के 2300 पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती नहीं होने और अयोग्य शिक्षकों के शिक्षण को विद्यार्थियों की दुर्दशा बताया। जहां हाईकोर्ट ने अब सरकार को 6 महीने में नियमित भर्ती करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि नियंत्रण के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की है। टेंडर कमीशन से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने बुधवार से 6 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। लिव इन रिलेशनशिप पश्चात सभ्यता है और भारतीय सिद्धांतों की अपेक्षा के विपरीत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े हुए एक मामले को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। साथ ही कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को एक कलंक भी बताया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आज है रूस का विजय दिवस यानी विक्ट्री डे। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में मनाया जाता है। रूस में यह दिन उतना ही खास होता है जैसा कि भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का दिन होता है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज खरगोन बरवानी लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। हज यात्रियों की लखनऊ उड़ान स्थल से आज प्रथम उड़ान 8:10 पर प्रस्थान करेगी। वहीं आज ही दूसरी उड़ान 5 शाम और तीसरी उड़ान 6:10 पर प्रस्थान करेगी। चार धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के वाहनों की रवानगी आज ऋषिकेश से होगी। गौरतलब है कि श्री बद्रीनाथ को छोड़कर तीनों धामों के कपाट 10 मई को खुलने जा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ विशाल के कपाट 12 मई को खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के बोर्ड सचिव पुष्पा साहू ने CGBSE 10वीं-12वीं रिजल्ट का डेट टाइम की सूचना दी है, जहां उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 12 बोर्ड अध्यक्ष रेणु पिल्ले द्वारा जारी की जाएगी। प्रियंका गांधी आज नवरंगपुर के दौरे पर आ रही हैं, जहां वे नवरंगपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि नवरंगपुर में 13 मई को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के चारों प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। वहीं आज मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह नामांकन करेंगे। वहीं शहरी मंच से शक्ति प्रदर्शन के लिए एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल होंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धराशिव करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का फैसला है, इस पर कोर्ट दखल नहीं दे सकती। गुजरात के दाहोद में बूथ कैप्चरिंग कर इंटरनेट मीडिया पर किया गया लाइव। पुलिस ने 2 लोगों पर की कार्रवाई। मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और आरोपित को भाजपा नेता का पुत्र बताया है।
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वालों को हटाकर योग्य उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इस दौरान अहम टिप्पणी भी की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा के नस्लीय टिप्पणी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पित्रोदा के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पित्रोदा का बयान निंदनीय है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सेम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी जयराम रमेश ने दी। सेम पित्रोदा के बयान से आया भूचाल। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस की चमड़ी के आधार पर बांटने की योजना यह देश और जनता के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर निश्चित रूप से बदल गया है, तबाही बढ़ गई है। जिन क्षेत्रों को हमने आतंकवाद से मुक्त कराया है वहां फिर से बंदूक के प्रभाव हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। बंगाल की जनता ने पिछले चुनाव में 18 सीटें भाजपा को दी, जिसका नतीजा था कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और इस वर्ष 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। दीदी और भतीजे को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन ये लोग नहीं गए क्योंकि उन्हें वोट बैंक की डर सता रही थी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।